नमस्कार, मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। राजस्थान के मौसम को लेकर बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है। बंगाल की खाड़ी से उड़ीसा पोस्ट के बीच सक्रिय हुए कम दबाव के क्षेत्र की वजह से पश्चिमी राजस्थान में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। सीमावर्ती जैसलमेर जिले में आज सुबह जोरदार बारिश देखी गई। जैसलमेर के लाठी क्षेत्र में बरसाती पानी से भरे एक गड्ढे में डूबने से दो बालकों की मौत की भी खबरें आ रही है। वहीं जोधपुर जिले की बात करें तो आज सुबह से ही हल्के बादल जरूर छाए हुए हैं, लेकिन बारिश अभी फिलहाल नहीं नजर आ रही है। वहीं बारिश नहीं होने के कारण जोधपुर में अब तापमान में भी बढ़ोतरी नजर आ रही है, लेकिन राहत की बात यह है कि अगले 48 घंटों के दौरान जोधपुर में भी अच्छी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। मौसम विभाग के अनुसार आज भी जोधपुर में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं आपको बता दें, बीकानेर में भी शनिवार को अच्छी बारिश का नजारा देखने को मिला और बीती रात को जिले के कई गाँव में भी जमकर बारिश हुई, जिसके चलते किसानों के चेहरे पर रौनक लौट आई है। हालांकि बीकानेर के कई गांव ऐसे हैं जहां अभी भी लोगों को बारिश का बेसब्री से इंतजार बना हुआ है। लेकिन अब मौसम विभाग से राहत वाली खबर यह आ रही है कि राजस्थान में एक बार फिर भारी बारिश का दौर शुरू होने वाला है, और जो राजस्थान में बारिश की कमियां रह गई है वह कमियां अब इस दौर में पूरी होने की पूरी संभावना बनी हुई है। दरअसल मौसम विभाग ने इसका कारण भी बताया है। बंगाल की खाड़ी व उड़ीसा पोस्ट से कम दबाव का क्षेत्र उड़ीसा से छत्तीसगढ़ की तरफ मूव हो चुका है और यह मध्य प्रदेश की तरफ से होते हुए पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ेगा। इसका असर शनिवार से राजस्थान में दिखाई देना शुरू हो जाएगा, यानी कि आज से। और आज इसका असर देखा भी गया है, बीकानेर और जैसलमेर में कई जगहों पर अच्छी बारिश दर्ज की गई है और आने वाले अगले 2 से 3 दिनों के दौरान राजस्थान के कई भागों में अच्छी बारिश की संभावना बनी रहेगी। वहीं आपको बड़ी खबर देते, राजस्थान के पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में भारी बारिश से अब हालात मुश्किल हो रहे हैं। वहां पर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, इसके चलते अब वहां सेना को बुलाया गया है। और जो मध्य प्रदेश में अभी जो मौसमी सिस्टम सक्रिय है, यही मौसमी सिस्टम अब राजस्थान की तरफ आगे बढ़ रहा है, यानी कि जो मध्य प्रदेश और गुजरात से राजस्थान के जो जिले सटे हुए हैं वहां अति भयंकर बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार कल और परसों यानी कि रविवार और सोमवार को जयपुर, अजमेर, बूंदी, बारा, कोटा, सीकर, नागौर, जालौर, पाली, सिरोही, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, यहाँ पर जो है भारी बारिश के स्पेल देखे जा सकते हैं। आसान भाषा में पूरी खबर को समझे तो आज से राजस्थान में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो रहा है और अगले 24 से 48 घंटों के दौरान लगभग पूरे राजस्थान में इसका असर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान और मध्य राजस्थान में इसका असर कुछ ज्यादा दिखाई देगा। तो ये थी राजस्थान के मौसम को लेकर एक खास अपडेट। वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।